एक स्टडी के अनुसार भारत में 21% लोगों को 4 घंटे की नींद बमुश्किल ही मिल पाती है। अगर आपको नींद आने में परेशानी है या फिर आपकी नींद अगर बार बार खुलती है या पर्याप्त और आरामदायक नींद नहीं मिलती तो भी ये इंसोम्निया की कैटेगरी में ही आता है। कुछ सबूत बताते हैं कि कोविड के बाद से इस समस्या में उछाल आया है। नींद की समस्या उन लोगों में ज्यादा है जो पहले से ही किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति को मेडिकल भाषा में कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, यानी एक समय में 2 बीमारियों का होना। एक रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों को अनिद्रा के किसी भी लक्षण का अनुभव होता है हर साल 14 दिन काम से चूक जाते हैं और अन्य 30 दिन अपने कामकाज को ठीक तरीके से नहीं कर पाते, यानी काम में लो प्रोडक्टिविटी होती है। कई लोग किसी चिंता के कारण अनिद्रा का शिकार होने लगते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नींद और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक करीबी संबंध है, क्योंकि खराब नींद अवसाद, चिंता और तनाव की समस्या को और बदतर बना सकता है। यहाँ मुख्य बात यह है कि लोग ये समझें कि कितनी नींद आवश्यक है और लगातार पर्याप्त घंटों की नींद न लेने के कितने सारे नुकसान हैं। इस समस्या से निपटने के लिए आइए हकीम सुलेमान जी को सुनते हैं। बहुत अच्छी दवा है जो अगर आप आज से शुरू करेंगे तो आज से ही आपको फायदा शुरू होना लगेगा, ऐसा उसका रिजल्ट है। एक विनेगर आता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, गन्ने का सब जानते हैं, अंगूर का सिरका सब जानते हैं, जैतून का सिरका आक आता है, ज़रा मुश्किल से मिलता है। जैतून का सिरका ले लीजिए, 2 या 3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच, 1 गिलास पानी में मिलाकर आज से शुरू करेंगे तो आज से ही उनको बहुत गफलत की नींद आएगी और सुकून मिलेगा। दिमाग को बहुत सुकून देती है, बस रात में पिलाइए और उनको पहले दिन से फ़ायदा होना मुमकिन है।